स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी आई क्यू मेरा नाम नानकी बवेजा है एंड मैं फैकल्टी फॉर इकोनॉमी हूं स्टडी आई क्यू में स्टूडेंट्स कंटिन्यूंग वि सीरीज जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं हमारी रेफरेंस बुक विच इज़ इंडियन इकॉनमी बाय स्टडी आई क्यू पब्लिकेशन वहाँ से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर प्रीवियसली अगर आपने वीडियोज़ देखे हो तो हमने चैप्टर वन में से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको कवर किया था आज चैप्टर टू हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर टू टॉक्स अबाउट द मनी मनी किस तरीके से इवॉल्व हुआ है वाट आर दी टाइप्स ऑफ मनी व्हाट इज़ अ अफिएट मनी और लीगल टेंडर क्या होता है एज वेल एज व्हाट आर दी मेजर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी तो हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं आज हम बात करेंगे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई के बारे में सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक यू शुड नो एज़ आई ऑलवेज से मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि कोई भी टॉपिक कोई भी थीम uh, कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उससे पहले हमें उसका लॉजिक पता होना चाहिए सो so, आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई तो मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई भाई मनी को मेजर मनी सप्लाई को मेजर करने की ज़रूरत क्या है उसका रीज़न हमें बिल्कुल पता होना चाहिए तो आर बी आई एज यू नो हैज दी प्रेरोगेटिव टू कंट्रोल दी मनी सप्लाई इन द इकॉनमी आई होप आपको पता होगा ये बात कि भाई आर बी आई को प्रेरोगेटिव है कि उसको इन्फ्लेशन को जो है कंट्रोल में रखना है इकोनॉमी में अब आर बी आई इन्फ्लेशन कब तक कंट्रोल नहीं कर पाएगी जब तक उसको यह नहीं पता है कि इकोनॉमी में कितना मनी फ्लो कर रहा है

राइट दैट इज़ हाउ आर बी आई प्लेज अराउंड विद द मनी कि इंजेक्ट करना है अगर पैसा डालना है इकॉनमी में तो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको लोअर कर देंगे अगर आर बी आई को मनी विड्रॉ करना है इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है तो उसके लिए मनी निकालना पड़ेगा इकॉनमी में से सकआउट करना पड़ेगा अगर मनी सकआउट करना है तो क्या करना पड़ेगा लोन्स को एक्सपेंसिव करना पड़ेगा जैसे ही लोन महंगे हो जाएंगे तो लोग कम लोन लेंगे कम क्वांटिटी में लोन लेंगे कम अमाउंट का लोन लेंगे तो अपने आप जो है देश में से पैसा सकआउट हो जाएगा आरबीआई के पास चला जाएगा और जो लिक्विडिटी है और जो इन्फ्लेशन है वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी ठीक है चलिए ये तो हो गया हमारा लॉजिक कि क्यों हमें पढ़ने की जरूरत है मनी सप्लाई के बारे में अब जब हम मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई पढ़ रहे हैं उसको समझने के लिए हमें दो तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है जिसमें से पहला कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ डिपॉजिट तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि हम बैंक में जाते हैं अकाउंट खुलवाते हैं अपना मनी डिपॉजिट कराते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट जो एक व्यक्ति एक इंसान बैंक के साथ खोल सकते हैं वन ऑफ विच इज़ वन ऑफ विच इज़ डिमांड डिपॉजिट एंड द अदर वन इज़ टाइम डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट एज द नेम सजेस्ट कि डिमांड डिपॉजिट मतलब आप इसमें से पैसा अपनी डिमांड अपनी इच्छा अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग विड्रॉ कर सकते हो अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग मतलब आपने डिपॉजिट कराया मान लीजिए आप गए एच डी एफ सी बैंक में आपने वहाँ पर एक डिमांड डिपॉजिट अकाउंट खुलवाया ठीक है तो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट में क्या होगा आप अपनी मर्जी से पैसा विड्रॉ कर सकते हो आपको जब भी जरूरत है ठीक है बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट में अगर आपने अपने पैसे डिपॉजिट करा दिए हैं तो आप बिफोर दी मेच्योरिटी बिफोर दी मेच्योरिटी आप मनी विड्रॉ नहीं कर सकते अगर आप मनी विड्रॉ कर भी रहे हो तो डेफिनेटली आपको कुछ पेनल्टी या कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे सो देर आर टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स जो आपको समझने की जरूरत थी फर्स्ट थर्ड डिमांड डिपॉजिट जहां से आप अपनी इच्छा अनुसार पैसे विड्रॉ कर सकते हो दूसरा है टाइम डिपॉजिट जहां आप अपनी इच्छा अनुसार पैसे नहीं विड्रॉ कर सकते आपने एक टाइम कमिट कर दिया है कि एक साल तीन साल पांच साल भाई इस साल जो भी साल आपने कमिट किए उतने टाइम के लिए वो मनी बैंक के पास ही डिपॉजिट रहेगा अगर आप उससे पहले निकाल रहे हो तो आपको उसके ऊपर कुछ देना पड़ेगा कुछ चार्जेस या कुछ पेनल्टी ठीक है अब बात करते हैं बैंक्स की ठीक है ना एक तो होता है जब हम मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई पढ़ रहे हैं तो हमें दो चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है एक तो कमर्शियल बैंक्स एक होते हैं कमर्शियल बैंक्स एक होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स कमर्शियल बैंक्स का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना मेरा कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं एज द नेम सजेस्ट कोऑपरेटिव बैंक्स का एम होता है अपने मेंबर्स का वेलफेयर ठीक है तो यहाँ जब मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई पढ़ रहे हैं वहाँ हमारी डीलिंग किससे होगी हमें डीलिंग करनी है कमर्शियल बैंक से साथ ही साथ हमें डील करना है पोस्ट ऑफिस से पोस्ट ऑफिस वही वाला पोस्ट ऑफिस जहाँ से आप बचपन में चिट्ठी लिख के भेजा करते थे इसको आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से आई उससे कंफ्यूज नहीं करना है ये वही पोस्ट ऑफिस है जहाँ जाके आप लेटर भेजते थे तो आप कहोगे मैम उसका यहाँ पे क्या रोल तो स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि पोस्ट ऑफिस में आप सिर्फ लेटर ही ट्रांसफ़र नहीं करा सकते लेटर ही भेज नहीं सकते बट ऑल्सो वट यू कैन डू इज़ आप वहाँ पर अपना डिपॉजिट अकाउंट भी खोल सकते हो कौन सा टाइम तो हमने, क्या अभी तक? हमने, हमने साथ साथ हमें में कमर्शियल बैंक से लेना देना है साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस वही वाला जहां से हम चिट्ठिया भेजा करते थे ठीक है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और पढ़ना रहेगा चीजें समझने के लिए अच्छे से समझने के लिए आई वुड रादर से चीजें आप ऑलरेडी समझते हो अच्छे से और समझने के लिए कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को और समझना पड़ेगा वन ऑफ विच इज़ लिक्विडिटी अब लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है लिक्विडिटी का मतलब होता है हम कितनी आसानी से कोई भी चीज़ को कोई भी वस्तु को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं दैट डिनोट्स इट्स लिक्विडिटी फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ खरीदना है और आपके जेब में पैसे पड़े ठीक है ना आपको कुछ खरीदना आपका मन कर गया चिप्स का पैकेट लेने का भूख लगी थी ठीक है आपने जेब से पैसे निकाले और चिप्स का पैकेट खरीद लिया ठीक है तो कैश थी कैश से आप एकदम एक से तुरंत चीज़ खरीद सकते हो यही आपके जेब में है अब अब आपको भूख लगी है सेकंड सिचुएशन में आपकी जेब में पैसे नहीं हैं आपकी जेब में पड़ा है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड तो क्या आप रेडिली खरीद सकते हो लेज़ या चिप्स का पैकेट आप आपको हाँ मैम स्वाइप करना रहेगा और उसके बाद हमको वो चिप्स का पैकेट मिल जाएगा जी बिल्कुल बट वेन यू कंपेयर इट विद कैश कैश में तो आपने पैसे दिए और आपको चिप्स का पैकेट मिल गया विद रिस्पेक्ट टू डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड क्या हुआ था आपको पहले कार्ड स्वाइप करना पड़ रहा था पिन डालना पड़ रहा था ऑथेंटिकेशन करना पड़ रहा था फिर जाके आपको चिप्स का पैकेट मिला राइट थर्ड केस लेते हैं मान लीजिए ना आपके पास कैश है ना आपके पास कार्ड है आपके पास सोने का सिक्का पड़ा है नाउ डू यू थिंक कि आपको अगर भूख लगी है तो आपने सोने का सिक्का निकाल के दिया और आपको लेस का पैकेट या जो जो भी आप खाना चाहते हैं आपको आसानी से मिल जाएगा नहीं आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी पहले आपको वो सोने का सिक्का लेके सुनार के पास जाना होगा सुनार को बेचेंगे बदले में आप कैश लाएंगे और फिर जाके चिप्स के जो दुकानदार है उसको देंगे और आपको चिप्स का पैकेट मिलेगा तो आप देख रहे हैं कि सबसे आसानी से आप किस चीज़ से चिप्स का पैकेट खरीद पा रहे थे सबसे आसानी से आप कैश से थोड़ा और जब मुश्किल बड़ी कहाँ आई डेबिट कार्ड और थोड़ी मुश्किल किससे बड़ी गोल्ड से अब हम चौथा एग्ज़ाम्पल लेते हैं मान लीजिए हमारे पास गांव में बहुत सारी ज़मीन पड़ी है तो आप बताइए अब अब अगर अब हमें ज़मीन बेचना चाहते हैं ज़मीन को कैश में कन्वर्ट कराना चाहते हैं तो आपको लगता है क्या वो रेडिली कन्वर्ट हो जाएगा या कुछ टाइम लगेगा Definitely कुछ टाइम लगेगा पहले आपको उसके उसके लिए बायर खरीदना पड़ेगा, फिर बाद डेफिनेटली ट्रांसफर प्रोसीजर करना पड़ेगा, एक बनेगा, एक बनेगी, कर रहे हैं तब जाके आपको कैश मिलेगी तो आप देख रहे हो कि लैंड की लिक्विडिटी आउट ऑफ ऑल केसेस हमने फोर केसेस कौन से देखे थे फर्स्ट में देखा था कैश दूसरा डेबिट कार्ड तीसरा हमने देखा था गोल्ड बार या गोल्ड का सिक्का और चौथा देखा था लैंड तो लैंड में सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही थी हमें उसको कैश में कन्वर्ट करने की तो लिक्विडिटी इफ़ यू से अगर हम कंक्लूड करें तो लैंड की लिक्विडिटी एज कंपेयर टू दी अदर थ्री केसेस इज़ दी लीस्ट बहुत सबसे मुश्किल से हमारा जो लैंड है वो कन्वर्ट हो रहा था सो so, लिक्विडिटी की क्या बात कर रहे थे इट इज़ एबिलिटी ऑफ गेटिंग एनीथिंग कन्वर्टेड इन टू कैश ठीक है ना तो गोल्ड थोड़ा कम था उससे कम था डेबिट कार्ड और कैश तो कैश में ही है सो इट इज़ ऑलरेडी कन्वर्टेड इन टू कैश सो एक कॉन्सेप्ट हुआ लिक्विडिटी अब हम पढ़ते हैं व्हाट आर दी मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई तो मनी सप्लाई अगर सबसे कॉमन टर्म्स में बात करें तो मनी सप्लाई क्या होती है इट इज़ दी कॉइंस प्लस नोट्स विच इज़ विद दी पब्लिक जितने भी कॉइंस सारी जनता सारी जनता अगर इंडिया की मिला दी जाए उनके पास जितने कॉइन्स हैं उनको प्लस कर दिया जाए उनके पास जितने नोट्स पड़े हैं नोट पड़े हैं उनको प्लस कर दिया जाए दैट इज़ वॉट इज कॉल्ड एम ज़ीरो ठीक है ना किस चीज़ को जितने कॉइन्स पड़े हैं जितने भी लोग हैं देश में उनको प्लस कर दो प्लस जितने नोट्स हैं उनके पास उनके प्लस कर दो तो हमारे पास एक फिगर आता है जिसको हम बोलते हैं एम जीरो ठीक है ना बट आर यही रुकती नहीं क्योंकि आर इतने बड़े कंट्री को रेगुलेट कर रही है तो उनको और भी एग्रीगेट्स चाहिए टू तो मेजर दी मनी सप्लाई इन दी कंट्री नाउ हाउ डज आरबीआई डू दैट उसके लिए आरबीआई चार दूसरे एग्रीगेट्स यूज करती है वो चार एग्रीगेट्स हो गए एम वन एम टू एम थ्री एम फोर अब इनका नाम एम वन एम टू एम थ्री एम फोर है वो सोचना हमारा काम नहीं है ना आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा आपको क्या पता होना चाहिए कि वॉट आर दी वॉट आर दी वेज और वट आर दी मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई तो उसमें सबसे पहला मेजर ऑफ था वो था एम जीरो जो आपको पता चल चुका है वो क्या होता है नोट्स प्लस करेंसी पब्लिक और जो measures होते हैं M1 M2 M3 M4 उसके बारे में हम बात करने वाले ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन में कभी भी इस टॉपिक में से आ सकता है ठीक है चलिए अब हमने बात करी थी एक तरफ होते हैं बैंक्स एक तरफ होते हैं बैंक्स और दूसरी तरफ होते हैं पोस्ट ऑफिस ठीक है एक बार थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लें तो आपके लिए थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी ठीक है चलो एक तरफ होते हैं बैंक्स पढ़ा था हमने और दूसरी तरफ होते हैं हमारे पोस्ट ऑफिस ठीक है ना ये हो गया एम वन एम टू एम थ्री एम फोर ठीक है ये हो गया सी प्लस सी प्लस कॉइन्स इन सर्कुलेशन फिर आते हैं हमारे डिमांड डिपॉजिट ठीक है ना बैंक के पास दो ऑप्शन थे ना हम उनके पास डिमांड डिपॉजिट खोल सकते थे टाइम डिपॉजिट सिमिलरली पोस्ट ऑफिस के साथ डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट अब ये मैंने टेबल फॉर्मेट में इसलिए बताया ताकि आप ईजिली इसको रिटेन कर सके तो रटने की जरूरत ज्यादा ना पड़े ईजिली आपको चीज याद हो जाए ना विल स्टार्ट विद एम तो एम क्या होता है सबसे एम में क्या चीजें आएंगी एम में आएगा सी प्लस सी जो क्या था करेंसी प्लस कॉइन इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स बाकी सब क्या है बाकी सब खाली पड़े हैं तो जब मैं एम वन की बात कर रही हूँ मैंने क्या बोला था चार और एग्रीगेट्स होते हैं टू मेजर दी मनी सप्लाई आर बी आई यहाँ थमती नहीं है आर बी आई नीड टू नो मोर अबाउट हाउ मच मनी इज देयर इन द इकोनमी दैट इज़ वाई आर बी आई कैल्कुलेट्स ऑल ऑफ दिस ठीक है ना तो एम वन की जब बात करें एम वन कॉन्स्टिट्यूट्स वॉट एम वन कॉन्स्टिट्यूट सी प्लस सी करंसी प्लस कॉइंस इन सर्कुलेशन प्लस जितना भी डिमांड डिपॉजिट जितने भी डिमांड डिपॉजिट एक कमर्शियल बैंक के पास हैं उनको प्लस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा एम वन आ जाएगा ठीक है चलो ईजी अब चलते हैं एम टू पे एम टू क्या होता है एम टू में भाई सी प्लस सी तो वहीं का वहीं है ठीक है ना इसमें हम और एड क्या कर देते हैं डिमांड डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट फ्र वि बैंक्स कौन से बैंक्स कमर्शियल बैंक्स पड़े थे ना हमने कमर्शियल बैंक्स वही चल रहा है ठीक है ना इसमें और क्या ऐड हो जाएगा डिमांड डिपॉजिट्स जो हमारे पोस्ट ऑफिस में खोले थे हमने बताया था ना पोस्ट ऑफिस में भी आप डिमांड डिपॉजिट भी खोल सकते हो प्लस टाइम डिपॉजिट भी खोल सकते हो तो एम टू में हम क्या करेंगे हम कमर्शियल बैंक के डिमांड डिपॉजिट प्लस पोस्ट ऑफिस में हमने जो डिमांड डिपॉजिट खोले थे उसको प्लस कर देंगे और ये सी तो रहेगा ही सी सी आप देख रहे होगे चारों में कॉमन है तो सी सी तो रहेगा ही तो एम टू में क्या किया डिमांड डिपॉजिट पे एक कमर्शियल बैंक में एक जो पोस्ट ऑफिस में खोलता है उनको प्लस कर दो तो हमारा आ जाएगा एम टू नेक्स्ट एग्रीगेट पे चलते हैं विच इज एम थ्री अब एम थ्री में क्या क्या इंक्लूड होगा सी प्लस सी मैंने क्या बोला था ये तो कॉमन रहेगा ही अब जो एम थ्री है आप देखोगे एम थ्री इज जस्ट लिमिटेड टू दी कमर्शियल बैंक आप देखोगे यहाँ पहले कॉलम्स ब्लैंक पड़े हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है याद रखने का कि एम थ्री में पोस्ट ऑफिस का कोई लेना देना नहीं है हमें सिर्फ कमर्शियल बैंक में जितने डिपॉजिट हैं उसी से मतलब है सो एम थ्री कॉन्स्टिट्यूट्स वॉट एम थ्री कॉन्स्टिट्यूट्स सी प्लस सी साथ में जो बैंक में दो टाइप के डिपॉजिट खोल सकते थे हम एक डिमांड डिपॉजिट एंड एक टाइम डिपॉजिट दोनों को प्लस कर दो तो हमारा आ जाएगा एम थ्री ठीक है ना फिर से याद कराती हूँ M3 में हमें कैसे याद रखना है M3 में हमारा कोई लेना देना नहीं है पोस्ट ऑफिस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमें सिर्फ क्या लेना देना है किससे लेना देना है कमर्शियल बैंक से लेना देना है कि हमारे कितने डिपॉजिट्स हैं कमर्शियल बैंक में उनको प्लस कर दो उसमें सी सी तो बोला था याद है हमें कॉमन है सब में ठीक है ना इन दोनों को प्लस कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा एम थ्री एंड लास्ट लास्ट वाला जो एम फोर है उसमें क्या है एम फोर में हमें बैंक्स में जितने टाइप के डिपॉजिट होते हैं प्लस पोस्ट ऑफिस में जितने टाइप के डिपॉजिट होते हैं हमें उन दोनों से मतलब है दोनों को प्लस कर दो किसको डी डी प्लस टी डी डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस एज यू कैन सी डिमांड डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट ऑफ बैंक्स एंड सी सी इज कॉमन इनको प्लस कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा एम फोर इजी यही देखा था हमने वॉट आर दी मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई चार तरीके के मेजर्स होते हैं आर को चार एग्रीगेट्स निकालने होते हैं एम वन एम टू एम थ्री एम फोर अब कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एम थ्री कॉन्स्टिट्यूट वॉट तो हमने याद किया था कि जब एम थ्री की बात करते हैं तो हमारा कोई लेना देना नहीं है पोस्ट ऑफिस से हमारा सारा लेना देना जितने भी टाइप के डिपॉजिट है विद दी विच बैंक कमर्शियल बैंक जब हम एम वन की बात करते हैं वी आर जस्ट लिमिटेड टू सी सी प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शल बैंक जब हम एम टू पर जाते हैं तो हम डिमांड डिपॉजिट पर थे ना तो हम इसमें अब पोस्ट ऑफिस के भी डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड कर देंगे ठीक है आपने देखा होगा एक लास्ट कॉलम चल रहा है क्वान्टिटी का जिसके बारे में हमने अभी बात नहीं करी अब क्वान्टिटी की बात करें क्वांटिटी की बात करें मतलब किस में सबसे ज़्यादा मनी सप्लाई होता है आउट ऑफ एम वन एम टू एम थ्री एम फोर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई कहाँ पे है अभी आप ही जवाब देंगे इस बात का देखना तो यहाँ पे मान लीजिए ट्वेंटी रुपीज थे ठीक है ना और यहाँ पे भी हमने डिमांड डिपॉजिट जो जितने भी थे बैंक के पास मान लीजिए टोटल आ रहा था ट्वेंटी तो यहाँ पर क्या ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी दैट मेक्स इट फोर्टी ठीक है अब फिर से यहाँ पर क्योंकि ट्वेंटी था तो यहाँ ट्वेंटी लिख देते हैं ठीक है ना और यहाँ कर देते हैं थर्टी क्योंकि अब M2 में हम क्या कर रहे थे M2 में हम डिमांड डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस भी ले रहे थे तो कितना हो गया 30 प्लस ट्वेंटी फिफ्टी प्लस ट्वेंटी सेवेंटी ठीक है ना अब M3 में हम क्या कर रहे थे M3 में अगर आपको याद हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ लेना देना है कमर्शियल बैंक के दो टाइप के डिपॉजिट से तो ये हो गया ट्वेंटी और यहाँ पे ट्वेंटी और मान लीजिए कि टाइम डिपॉजिट्स एक बैंक के पास कितने इकट्ठे हुए साल में हुए अब मान लीजिए कि टाइम डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो टाइम डिपॉजिट एक कमर्शियल बैंक के पास आए साल में फिफ्टी ठीक है तो अब इनको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना हुआ फिफ्टी प्लस ट्वेंटी सेवेंटी प्लस ट्वेंटी नाइन्टी तो आप क्या देख रहे हो क्या देख रहे हो आप एम वन से जैसे जैसे हम एम टू पर आ रहे हैं और एम थ्री पे आ रहे हैं तो जो हमारा क्वांटिटी है वो इंक्रीज होता जा रहा है अब हमारा लास्ट एग्रीगेट बचा है विच इज़ एम फोर तो यहाँ ट्वेंटी था ये भी ट्वेंटी था ये फिफ्टी था ये 20, ये थर्टी था और मान लीजिए एक पोस्ट ऑफिस के पास टाइम डिपॉजिट है ट्वेंटी रुपीज़ के तो अगर हम इसे प्लस करें ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी फोर्टी प्लस फिफ्टी नाइन्टी नाइन्टी प्लस थर्टी इज वन ट्वेंटी एंड ट्वेंटी इज वॉट तो आप क्या देख रहे हो आप देख रहे हो कि हमारा एज वी मूव ऑन फ्रॉम एम वन टू एम फोर हमारा जो मनी सप्लाई है जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो बढ़ती जा रही है लेकिन घट क्या रहा है याद है आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जहाँ हमने बात करी थी लिक्विडिटी की लिक्विडिटी क्या था हम कितनी आसानी से किसी भी चीज़ को कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं वो उसकी तरलता लिक्विडिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं तरलता तो तरलता को दर्शाता है लिक्विडिटी को दर्शाता है कोई भी चीज़ जितनी आसानी से कोई भी चीज़ जितनी आसानी से कैश में बदल जाएगी वो उतनी ज़्यादा लिक्विड होगी तो अब जब हम क्वांटिटी की बात कर रहे थे क्वांटिटी की बात कर रहे थे तो क्वांटिटी तो बढ़ रही थी जब हम M1 से M4 पे पर जा रहे थे बट जब हम लिक्विडिटी की बात करते हैं जब हम लिक्विडिटी की बात करते हैं जो तरलता है जो लिक्विडिटी है इट डिक्रीज इट डिक्रीज फ्रॉम एम टू एम एम वन इज बींग द मोस्ट लिक्विड एंड एम फोर बींग दी लीस्ट लिक्विड एम वन बींग द मोस्ट लिक्विड एम वन बींग दी मोस्ट लिक्विड एंड एम फोर बींग द लीस्ट लिक्विड ऐसा क्यों मैंने आपको क्या बोला था लिक्विडिटी क्या होती है किसी भी चीज़ को हम कितनी आसानी से कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या था M1 में जब हम बात कर रहे थे तो हमारे पास एक हाथ में तो कैश ही थी तो भाई कैश ऑलरेडी कैश में है तो अब हम उसे कन्वर्ट करना ही नहीं मतलब ये सबसे ज़्यादा लिक्विड है उसमें हम ऐड कर रहे थे डिमांड डिपॉजिट विद दी कमर्शियल बैंक तो कमर्शियल बैंक तो ये सबसे ज़्यादा लिक्विड और ये जब हम ऐड कर देंगे तो थोड़ा कम फिर उसके बाद जब एम टू में आ रहे हैं तो एम टू में ये दोनों तो थे इसमें हम और क्या ऐड करते रहे थे डिमांड डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस अब आपके पास दो ऑप्शन हैं कि आपको मनी विड्रॉ करना है एक पोस्ट ऑफिस जाके और एक कमर्शियल बैंक लाइक एस बी आई लाइक आई सी आई लाइक एच डी एफ सी जाके आप किस को प्रेफर करेंगे आप क्या सोचेंगे आपको क्या लगता है कि आपका मनी जल्दी कहाँ से विड्रॉ हो जाएगा आपका मनी जल्दी ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक में से हो जाएगा तो मतलब आप देख रहे हो यहाँ डिफ़िकल्टी बढ़ती जा रही है ठीक है ना तो मतलब डिफ़िकल्टी टू कन्वर्ट इन टू कैश बढ़ती जा रही है मतलब लिक्विडिटी घटती जा रही है एम थ्री पे चलते हैं एम थ्री की बात करें तो ये दोनों तो है एम थ्री में क्या आ गया था एम थ्री में हमारा टाइम डिपॉजिट भी आ गया था और याद है मैंने आपको क्या बताया था टाइम डिपॉजिट आप रेडिली कन्वर्ट नहीं करा सकते कैश में क्यों क्योंकि टाइम डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट की जब हमने बात करी थी टाइम डिपॉजिट की जब हमने बात करी थी हमने बोला था कि यहाँ पर हमें मनी लॉक इन करवाना पड़ता है एक सर्टन टाइम के लिए उससे पहले अगर विड्रॉ करा रहे हैं तो हमको क्या देना पड़ेगा पेनल्टी चार्जेस तो इन दोनों में से ज़्यादा लिक्विड कौन हुआ ऑबली डिमांड डिपॉजिट क्योंकि इट्स रेडिली कन्वर्टेड इंटू कैश एज कम्पेयर टू टाइम डिपॉजिट जहाँ आपको एक आपका अमाउंट सर्टन अमाउंट सर्टन टाइम के लिए लॉक करवाना पड़ेगा तो एम थ्री में क्या हो रहा था एम थ्री पे चले तो एम थ्री में क्या किस चीज़ का एलिमेंट आ रहा था यहाँ पर टाइम डिपॉजिट एलिमेंट भी आ रहा था सो डू यू थिंक इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू कन्वर्ट इंटू कैश एज कम्पेयर टू एम टू यस एम टू ईजिली हो जाएगा एम थ्री थोड़ा ज्यादा मुश्किल आएगी सो एज आई सेड कि वेन वी मूव ऑन फ्रॉम एम वन टू एम फोर द लिक्विडिटी डिक्रीज बट द क्वांटिटी सप्लाइड आपको उसका भी लॉजिक दे दिया था मैंने कि क्वांटिटी सप्लाइड कैसे इंक्रीज हो रही है ठीक है तो अब आप मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई देखोगे मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई देखोगे तो दैट इज वॉट इज क्रक्स ऑफ दी स्टोरी जो आज हमने बात करी कि एम वन क्या होता है इट इज सी यू वॉट इज सी क्या था करंसी प्लस कॉइन इंड सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक्स एम टू में क्या होता है एम वन प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स ठीक है सो so, अगर हम अपनी बुक की बात करें अगर हम बुक की बात करें तो पेज नंबर ट्वेंटी फोर पर देखें कितने बेहतरीन तरीके से अगर आपको दिख रहा होगा कितने बेहतरीन तरीके से बताया हुआ है एम वन एम टू एम थ्री एम फोर और स्टूडेंट्स और इफ़ नॉट बुक अगर आप ये टेबल बना लेते हैं अगर आप ये टेबल अपने नोट्स पर बना लेते हैं आई कैन बेट ऑन दैट कि आप कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि आपको पता है कि आपको कौन सा ब्लैंक कब फिल करना है हमने हर चीज़ का बाइफर्केशन क्लियरली पढ़ा हमें पता है कि कौन से में कौन सी चीज़ आएगी हमें पता है कहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है और कहाँ घट रही है और हमारी लिक्विडिटी का भी हमें अब क्लियरली अंदाज़ा है सो दैट इज़ हाउ दी आर बी आई मेजर्स दी एग्रीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू दी मनी सप्लाई और रीज़न वी नो दैट सो विद दिस वी कम टू दी एंड ऑफ दिस टॉपिक किताब अगर आप खरीदना चाहते हैं किताब अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है आपको आपको जाना है अमेजोन पर या फ्लिपकार्ट और घर बैठे आपकी जो है बुक आपके पास आ जाएगी बट अगर उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट रह जाता है मन में कोई क्वेरी है विच इज़ अनरिजोल्व देन यू कैन डेफिनेटली कम टू माई इंस्टाग्राम चैनल विच इज़ नान की अंडर स्कोर बी ट्वेंटी टू और माई और माई टेलीग्राम चैनल जहाँ ऑफिन में अच्छे अच्छे एडिटोरियल शेयर कर सक करती रहती हूँ आप लोगों के साथ जिसको आप अपने मेन्स के नोट्स में सप्लीमेंट कर सकते हैं दैट विल आर्ट वैल्यू टू योर मेन्स नोट फॉर दैट यू हैव टू विजिट माई चैनल टेलीग्राम पे इकोनॉमिक्स विद नान की नाम से तो कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर थ्री के साथ अपने अगले वीडियो लेक्चर में टिल देन अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए एंड तब तक ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल